रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं एहसास नायाब, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। नाज़रीन इकराम, फाइनली बीजेपी एक बार फिर अपने गंदे मकसद में कामयाब हो गई। उत्तर प्रदेश के बाद आज कर्नाटका में गांवकशी बिल पास हो चुका है। हाल ही में कर्नाटका के वजीर आला बीएस येडियुरप्पा ने मीडिया से बात करते हुए जिस बिल का इजहार किया था, वो अपोजिशन पार्टियों की शदीद मजम्मत के बावजूद आज पास हो गया। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ने से पहले भारत में अब तक होने वाले बीफ एक्सपोर्ट पर एक नजर। पिछले साल बीफ कारोबार में भारत ने बनाया था नया रिकॉर्ड। बीफ एक्सपोर्ट में भारत बना था नंबर वन पर। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो मोदी हुकूमत में हुआ दुगना, और सालाना कारोबार पहुंचा 27,000 करोड़ तक। अमेरिका की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया था कि मोदी सरकार बनने के बाद भारत में बीफ एक्सपोर्ट 5% बढ़कर 20 लाख टन हो गया था। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि भारत में बीफ कारोबार करने वालों की फहरिस्त में कौन है नंबर वन पर। क्या बीफ कारोबार में मुसलमान है शामिल या गैर मुसलमानों का है ये धंधा? चलें जानते हैं इन बड़े स्लॉटर हाउसेस यानी जिबा खानों के मालिकान के बारे में, जो मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम हैं। नाज़रीन इकराम, इनमें पहले नंबर पे है अलकबीर। अलकबीर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिबा खाना तेलंगाना के मेडक जिले के रोडरम गाँव में है। ये जिबा खाना तकरीबन 400 एकड़ में फैला हुआ है, और इस जिबा खाने का मालिक कोई मुसलमान नहीं है बल्कि सतीश सबरवाल है, और इस स्लॉटर हाउस को अलकबीर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड चलाता है। अलकबीर के कई मुल्कों में ऑफिस मौजूद हैं, और यहाँ हर साल अरबों रुपए का कारोबार होता है। नंबर दो पे है अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक का नाम सुनील कपूर है। इसका सेंट्रल मुंबई के रशियन मेंशन में है। नंबर तीन पे एमकेआर फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक का नाम मदन एबर्ट है, और इस कंपनी का सेंटर दिल्ली में है। नंबर चार पे अलनूर एक्सपोर्ट। इसके मालिक का नाम सुनील सूद है, और अलनूर का जिबा खाना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शेरनगर गांव में है, और ये कंपनी 35 देशों को बीफ एक्सपोर्ट करती है। नंबर पांच पे एओवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का जिबा खाना भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है, और इस कंपनी के मालिक का नाम ओपी अरोड़ा है। यहाँ पे ये भी बताते चलें कि ये वही योगीराज वाला उत्तर प्रदेश है जहाँ आए दिन गाय के नाम पे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। अब चलते हैं नंबर पांच पे स्टैंडर्ड फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के मालिक का नाम कमल वर्मा है। इसका स्लॉटर हाउस उत्तर प्रदेश के उन्नाव के चांदपुर गांव में है, और इसका ऑफिस हापुड़ के शिवपुरी में है। नंबर छह पे महाराष्ट्र फ्रूट प्रोसेसिंग एंड ओल्ड स्टोरेज। इस कंपनी के पार्टनर सनी खट्टर हैं। इस कंपनी का स्लॉटर हाउस महाराष्ट्र के सितारा जिले के फिल्टन में है। नाज़रीन इकराम, इन सभी का मानना है कि धर्म और धंधा दोनों अलग अलग हैं, इन्हें मिलाना गलत है। यहाँ हम आपको ये भी बताते चलें कि भारत में एक बड़ी आबादी नॉन वेजिटेरियन है। एक सर्वे के मुताबिक जहाँ 71% गैर मुसलमान गोश्त खाना पसंद करते हैं, वहीं मुसलमानों में बीफ खाने वालों की तादाद महज 14% है। बावजूद गाय के नाम पे कत्ल सिर्फ मुसलमानों के हो रहे हैं। इखलास से शुरू हुआ ये सिलसिला आज भी जारी है, और अल्लाह जाने इस बिल के पास होने के बाद और क्या रंग दिखाए जाएंगे। यहाँ सीनियर एडवोकेट ने यह भी खशा जाहिर किया है कि इस कानून का गलत इस्तेमाल यानी शरपसंदों की जानिब से इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रिज में रखे बकरे के गोश्त को गाय का गोश्त कहकर बिलावजह मुसलमानों को परेशान करना, इनकी लिंचिंग करना या कोई जाती रंजिश भी निभाई जा सकती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो अखिलती तबके बिलखसूस मुसलमानों को ये यकीन दिलाएं कि ये कानून मुस्लिम मुखालिफ कानून बनकर नहीं उभरेगा, और इस कानून की वजह से मुसलमानों की जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुल्क का अखिलती तबके का ख्याल रखना, इसके लिए जानी व माली तहफ्फुज फराहम करना भी सरकार ही की जिम्मेदारी है। बहरहाल अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल से इसकी मंजूरी मिलनी बाकी है, फिर आगे देखना यह है कि यह कानून महज अखिलती गरीब तबके तक महदूद रहेगा या इसको इन बच्चड़खानों
पे भी लागू किया जाएगा जो इंटरनेशनल लेवल पे बीफ का धंधा कर रहे हैं। यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि 2014 से बीफ एक्सपोर्ट में जो तेजी देखने को मिली है वो शायद ही इससे पहले कभी देखी गई हो। ऐसे में गौ रक्षा के नाम पे बीजेपी की जानिब से जो वावेला मचाया गया है, इसका मकसद बेशक एक मजहब को टारगेट करना है। खैर, हमारी मांग ये है कि छोटे जिबा खानों से पहले इन तमाम बड़े बुचड़ खानों यानी जिबा खानों पे ताला लगाया जाए। साथ ही गौ रक्षकों की टीम बनाकर मुल्क के उन तमाम जंगलात में फैला दिया जाए ताकि उन जंगलात में भी गाय माता महफूज रह सके। साथ ही मुकामी लोगों की ये भी मांग है कि तमाम जू और पार्कों में शेर, चीता, मगरमच्छ और दीगर गोश्तखोर जानवरों को बेचारी मुर्गी और बकरा खिलाने का बंदोबस्त किया जाए। इन्हीं तमाम नेक ख्वाहिशात के साथ मैं एहसास नायब इजाजत चाहती हूँ।